दोस्तों बड़ी संख्या में लोग ग्रहों से संबंधित दान करते हैं, ग्रहों से संबंधित सेवा पूजा करते हैं, ग्रहों से संबंधित पशु पक्षियों की सेवा भी करते हैं, बहुत बड़ी संख्या में। और हिंदुस्तान में तो सनातन में तो इन चीजों का एक अलग महत्व ही है। इन चीजों इन सब कामों के बिना हमारा धर्म पूरा ही नहीं होता। हमारे सौरमंडल के सभी ग्रहों का कोई ना कोई एक कारक है, प्रतिनिधि है। जैसे सूर्य के पिता, चंद्रमा की माता, मंगल मित्र भाई, बुध बहने, इसी तरह से पक्षियों में भी शनि क्या है, कौआ है वो शनि का है। तो दोस्तों इसी तरह से लोग हर ग्रह से संबंधित पशु पक्षियों को या उनके संबंधित प्रतिनिधियों की सेवा करके उनका लाभ लेने की भरपूर कोशिश करते हैं। बहुत सेवा भाव उनके मन में होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गलती से, भूल से आपकी सेवा बेकार जा सकती है। आप जो इतनी मेहनत कर रहे हैं वो सेवा आपकी बिल्कुल बेकार जा सकती है। दोस्तों स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि यदि आपको केतु का शुभ परिणाम चाहिए तो आप कुत्तों की सेवा करें। लोग घरों में कुत्ते पालते हैं तो वो एक जानवर बतौर नहीं है, वो आपके घर का सदस्य है, उसकी सेवा तो आपका दायित्व है। सेवा तो आप उनकी करेंगे जिनको, जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, गली में घूमने वाले कुत्ते। इसी तरह से दोस्तों गाय की सेवा, घर में आपने गाय पाली हुई है वो आपके लिए जानवर नहीं है। अगर आपकी सोच उसको जानवर समझने की है तो आप गलत रास्ते पर हैं, वो आपके परिवार का सदस्य है। आप उसकी सेवा पूजा परिवार के सदस्य की तरह करते हैं, लेकिन आपको बृहस्पति की, शुक्र की सेवा पूजा तभी लगेगी जब आप उन गायों की सेवा करना शुरू करेंगे जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। इसी तरह से दोस्तों बहुत से लोग बुध ग्रह की के अच्छे रिजल्ट पाने के लिए पिंजरे में तोते पालकर उनकी सेवा करते हैं और खूब आत्मीयता उनके साथ रखते हैं, खेलते हैं, उनकी सेवा करते हैं, अच्छे से अच्छा उनका पालन पोषण करते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपसे यहां पर एक प्रश्न ये पूछना चाहता हूं कि क्या आपसे अगर कोई व्यक्ति, आपके पिता आपसे बेहद प्रेम करते हैं और आपको सुबह दोपहर शाम आपके कमरे में खाना पहुंचा दिया जाता है और बाहर से उस गेट को बंद कर दिया जाता है, तो क्या आप ऐसी सेवा को स्वीकार करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि किसी भी प्रकार की सेवा से पहले जब ईश्वर ने एक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार सबको दिया है तो आप किसी को पिंजरे में रख करके यदि सेवा करते हैं तो ये सेवा एक ठीक तरह से सही मायने में सेवा नहीं कही जा सकती। आप उसकी सेवा अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए कर रहे हैं। आपने तोते पाले हुए हैं, बड़ी अच्छी बात है, आप उनके साथ खेलते हैं, बात करते हैं, सब बातें हैं, आप उनको टाइम से खाना भी देते हैं, सारी बातें हैं, लेकिन क्या वो अपनी मर्जी से उड़ सकते हैं? आपने उनके लिए शानदार पिंजरा आपने बनवाया है। पिंजरा दोस्तों चाहे सोने का भी हो, पिंजरा एक कैद है। अगर आप बुध के शानदार परिणाम लेना चाहते हैं तो आप बाजार से जो लोग चिड़ियों का क्रय विक्रय करते हैं, खरीदने बेचने का कारोबार करते हैं, उससे आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार 1, 2, 4 तोते खरीद कर उनको पिंजरे से आजाद करें। गाय, कुत्ते, चिड़िया जो खुले में घूम रहे हैं, जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है,
असहाय स्थिति में हैं, उनकी सेवा करें यदि आपको ग्रहों का सही मायने में परिणाम चाहिए। ऐसी सेवा सेवा नहीं है कि आपने अपने किसी प्रिय सदस्य को घर के कमरे में बंद कर दिया, ना वो अपनी मर्जी से कहीं जा सकता है, ना वो अपनी मर्जी से कहीं से आ सकता है। ये कैद है, सेवा नहीं है, और ऐसी सेवा को कोई स्वीकार भी नहीं करेगा। स्वतंत्रता सभी का मौलिक अधिकार है, ईश्वर का दिया हुआ। आप किसी का मौलिक अधिकार नहीं छीन सकते। अपने आनंद के लिए, अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आप किसी का मौलिक अधिकार नहीं छीन सकते, और इसीलिए आपके प्रयासों का सही परिणाम आपको नहीं मिलता। एक रिसेंट केस हमारे पास जो इस समय आया है, दिल्ली की एक महिला है, उनकी कुंडली में लग्नेश बुध बुरी तरह से पीड़ित है और बुध की समस्याओं से ही वो ग्रसित हैं। इस समय शनि की महादशा है और बुध की अंतरदशा है, ऐसी स्थिति है कि वो चारपाई से उठ भी नहीं सकती, नर्वस सिस्टम लगभग बेकार हो चुका है, उनके शरीर का तंत्रिका तंत्र उनके काबू से बाहर है, और वो घर पर तोतों की सेवा कर रही है पिंजरे में रख के, और उनकी आत्मीयता उनके साथ बहुत ज्यादा है, और उनका कहना यह है कि मैं अगर इनका पिंजरा खोल भी दूंगी तो ये उड़ेंगे नहीं। कोई बात नहीं, आप उनका पिंजरा खोल दें, वो नहीं उड़ेंगे, ये उनकी इच्छा है। लेकिन यदि आप बुध के अच्छे फल लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके कारोबार में आपको सफलताएं मिले, आपके द्वारा किए गए प्रयास फलित हो, तो आप बुध के प्रतिनिधि तोते को आप बाजार से खरीद कर उसे कैद से मुक्त करें, खुले आकाश में घूमने का अवसर प्रदान करें, तब आपको बुध के शुभ फल प्राप्त होंगे। तो दोस्तों, एक गंभीर विषय है। आप किसी की सेवा का भाव रखते हैं, लेकिन उसको कैद में रखकर उसकी सेवा कैसे करेंगे, किस प्रकार की सेवा ये कही जाएगी? वो आपके परिवार का प्रतिनिधि है। आप अपने घर के किसी सदस्य को कैद में रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते। तो अगर आपको तोतों से इतना प्रेम है तो उन्हें खुला छोड़ दीजिए ना। अगर वो भी आपसे प्रेम रखते हैं तो वो आपके घर में ही रहेंगे, कहीं ना कहीं आसपास पेड़ों में रहेंगे, आपके घर से दूर जाएंगे ही नहीं। जानवर को, पक्षियों को इंसान के मुकाबले की समझ होती है, इसलिए इस तरह के चलन को बंद करें। यदि सेवा वास्तव में करना ही चाहते हैं और ग्रहों के अनुकूल फल लेना चाहते हैं, इच्छा रखते हैं, तो सेवा करने के ढंग को बदलें। दोस्तों, उम्मीद है आज की ये सलाह या बातचीत आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये जानकारी ठीक लगी हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ज्योतिष पसंद करने वाले लोगों के साथ शेयर करें। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है, शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में आपके सामने उपस्थित होंगे एक नई जानकारी, एक नए विषय के साथ। धन्यवाद दोस्तों।